गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वर्क डन पे बेस, जो कि ग्राफिकली बेस्ड न्यूमेरिकल है। जैसे आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है। पोजीशन है, एक्स इज द पोजीशन 0 से 3 मीटर के बीच में, और जो ग्राफ है वो गिवन है आपको, फोर्स एंड पोजिशन ग्राफ गिवन है। मीन्स फोर्स एंड पोजिशन के बीच में ग्राफ गिवन है आपको। फोर्स आप देख सकते हो 20 न्यूटन का, वो कॉन्स्टेंट है, यानी पोजिशन चेंज हो रही है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है। मीन्स ये फोर्स कॉन्स्टेंट है, यानी वर्क डन फाइंड करना है हमें कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए, जो कि ग्राफ से हमें क्लियर नजर आ रहा है। तो कैसे फाइंड करते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने कंसेप्ट बताया था। क्या करना है आपको, 0 से 3 मीटर, तो ये 0 है, ये 3 मीटर है, ओके। और ये फोर्स, तो 0 से 3 मीटर यानी यहाँ पे आपको यहाँ तक जाना है, उसके आगे नहीं। अगर 4 मीटर कहते तो आप यहाँ तक लेते, तो 0 से 3 मीटर के अंदर ये एरिया है। दिस एरिया गिव द वर्क डन, दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। तो आंसर क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, यस एल इंटू बी कर देंगे, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 × 20 हो जाएगा, दैट इज 60 जूल वर्क डन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है आपको, इसीलिए क्लास प्रीवियसली मैथ्स में रेक्टेंगल का एरिया ये सब फाइंड करने को बताया जाता था कि सर आप ग्राफिकली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं, यानी वर्क डन सिंपली आप ग्राफ के एरिया से आपने मेजर कर लिया। अब आ जाते हैं वर्क डन, यहाँ वेरिएबल फोर्स क्यों है, क्योंकि 0 पे 0 फोर्स, 1 मीटर पे 5 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन पे, 2 मीटर पे 10 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ 0 से 2 मीटर के बीच में, यानी 0 से 2 मीटर ये ले लेते हैं, ठीक है, ये एरिया होगा। इस एरिया जो है, जो एरिया है वो आपको वर्क डन देगा। आंसर क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू एरिया क्या है, ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस 2 है, हाइट आपका 10 हो गया, तो ये आपका आ गया क्या, 10 10 जूल का वर्क डन आ गया। ये ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन है। यस गुड मॉर्निंग क्लास। तो नाउ वर्क डन पे, इससे पहले आपको मैंने ग्राफिकली बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स कराए थे, जो कि क्लास 9 के 11 पे भी और 11 के लिए भी सेम न्यूमेरिकल है। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है कैलकुलस बेस कराने जा रहा हूँ। जैसे कि गिवन है आपको क्वेश्चन में कि फोर्स जो है आपका वो वेरिएबल फोर्स है। लेट ये फोर्स गिवन है आपको 6 − 2x + 3x² फोर्स वेरिएबल है। फोर्स डिफरेंट पोजिशन में डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रही है। तो फाइंड वर्क डन बिटवीन x 0 से x 2 मीटर पोजीशन। ओके, वर्क डन क्या होगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, आपको इंटीग्रेशन करना है x इनिशियल से x फाइनल, दिस इज द फॉर्मूला, एफ फोर्स एफ डी एक्स, जो फोर्स वेरिएबल यहाँ रख देंगे, कॉन्स्टेंट भी आप रख सकते हो, यानी इस कैलकुलस को तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन करना है x इनिशियल यानी 0 से 2, फोर्स की वैल्यू 6 − 2x + 3x² इंटीग्रेशन करना है dx। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट टर्म 6 आ जाएगा, −2x^1 है तो इंटीग्रेशन करने पे x^2/2 आ जाएगा, +3x^2 है तो क्या हो जाएगा, x^3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको याद है इंटीग्रेशन मैंने बताया, इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप तुरंत कर सके। तो 6 का इंटीग्रेशन डी के रिस्पेक्ट में 6x हो जाएगा, −2x^1 है तो 2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, +3x^2 है, 3 और 3 हो जाएगा, और ये लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0 से 2 मेंशन कर देंगे, क्लियर। देन आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। आप देखो यहाँ पे पहले कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ वैल्यू रख देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एक्स की जगह आप पहले फाइनल वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस इनिशियल, 6 × 2 − 2² + 2³। बाकी जब 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म आया। तो यानी वर्क डन इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 − 2² यानी 4 2³³ 8 क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 12 + 8 = 20, 20 − 4 = 16 जूल का वर्क डन हुआ। यानी आपने इस कैलकुलस के कंसेप्ट से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, थैंक यू क्लास।